मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब? अब देखो यार, क्या सीन है इस गेम प्ले में कि भाई आज बहुत ज्यादा गलत सीन था। सामने आपको दिख रहा होगा वॉल पे फैरो बना हुआ था, और सेम चीज आज है फैरो पहन के दिख रहा हूँ। और आप सभी को पता होगा कि इसी टाइम पे फैरो फर्स्ट एक्स रूट था जो कि भाई आया हुआ था, और भाई इसीलिए फैरो को यहाँ का राजा कहा जाता है। और क्या हम इस राजा को पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्वाइव करा पाएंगे? क्योंकि देखो, राजा को पूरा टॉप लेवल पे यानी फैरो को ऊपर रखना है अपने को। तो आपसे याद होगा इस जगह में कुछ तो यहाँ पर नाग नागिन जैसा कुछ तो निकलता था इस जगह में। खैर कोई बात नहीं, उस पर ध्यान नहीं देना। आज पैरों को कुछ इस तरीके से मारना बंद होगा अपने पैरों को। सबको लगना चाहिए कि एशियन टेम्पल का जो मालिक था वापस आ चुका है। अब फटाफट बस बंदे लपेटने हैं। अब देखो यहाँ पे एक तो पहला टाइम वेस्ट वाली जगह ही मेरे को लगती है, बट टाइम वेस्ट के साथ साथ मैंने एक नई भी चीज निकाल ली थी। मेरा बंदा जाकर नीचे भी फिनिश हो गया। लो, ऊपर तो मरा ही था, नीचे भी जाकर फिनिश हो गया। अब देखो इस जगह में क्या टाइम वेस्ट हटा के एक निकाली मैंने। ऐसे देखो इसे उड़ा दिया कि भाई यहाँ पे भाई कुछ तो मिलते नहीं है, गन्स मिल जाते अच्छी खासी। तो सबसे बढ़िया गन्स लो, कुछ एमो में कलेक्ट करो, और थोड़े बंदे मतलब इधर जबरदस्ती का मारना पड़ जाता है। और उसके बाद पता क्या करो, सबसे पहले तो आप लूट अच्छी मिल जाए तो नीचे फटाक से कूद जाया करो। और फैरो अपनी फॉर्म में आ चुका है। अब इसका पूरा फैरो पूरे रैंगल में तबाही मचाने वाला था गाइस, इसलिए आप लोग पूरा एंड तक गेम प्ले देखना। आज हैकर वाला स्प्रे मारने वाले, पूरा मतलब स्मोक के अंदर हेडशॉट लगेंगे आज, धड़ाधड़ धड़ाधड़ भाई मजा सा आ जाएगा। तो एक बार जरूर से लाइक कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर जितने भी देने सब्सक्राइबर बटन देना। खैर यहाँ पर उतरते हैं, और उतरते के साथ यहाँ पे सामने से कोई मार रहा था, और मेरे पास था अभी 4x, तो 4x फटाक से लगाते इस पर और रेड डॉट इस पर। अब देखो जरा टन टन की आवाज़ है। I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got. बंदे डाउन देता हूँ, और उतने में जैसे मैं सोचता हूँ कि भाई बंदे पर रश कर दिया जाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले गाड़ी पर बैठता हूँ और बोलता चलो भाई मैं रश करने जा रहा हूँ। और जितने में मैं उधर जा रहा होता हूँ, तब तक पीछे में एक बगिया जाती है, और एक तरह से कह सकते हो सलमान भाई आ चुके हैं। सलमान भाई की एंट्री देखो किस तरीके की है। दोनों में टीममेट को मार रहे थे, मतलब इन दोनों ने आगे पुश कर रखा था, और इनको यही नहीं पता कि पीछे से भी आ जाऊंगा मैं। मतलब क्या ही चीज थी यहाँ पे गाइस। एक बार इस चीज के लिए एक बार कमेंट करके इन दोनों के लिए आरआईपी डाल देना भाई। क्या ही दोनों मर रहे हैं, मतलब दोनों गाड़ी से कुछ ले गए गाइस। ये भी कोई रिवाइव देना नहीं आया था। फुल सलमान भाई वाली एंट्री, फुल ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट मार के निकलते हम। और अब इसको तो खैर यहाँ पे निपटा देते हैं, इसका इजी गल मिल जाता अपने को, क्योंकि ये कहीं और ही ध्यान दे रहा था, हमने निपटा दिया। और थोड़ी देर बाद कुछ इस जगह में आते हम, और आते के साथ मैं टीममेट बोलता है कि ये उस पर एम लेके बैठा हुआ है, ये निकलने नहीं दे रहा उसे। तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, उसने मैं बता पूरा पूरा ओपन आ चुका था हम पे मारने। इसे भी डालते हैं, और भाई एक एक बंदे ऐसे ऐसे मिल रहे ना। अब यहाँ से जैसे मैं जा ही रहा था आगे अपने, ठीक है ध्यान देना। ये देखो पीछे बंदा, मैं बोलता भाई बहुत गलत आ रहा है, उतरे भी तो फाइट लेनी पड़ेगी। फाइनली इस बंदे को भी डाउन कर देते हैं, और बस अब देखो तुम क्या होने वाला आगे। एंडिंग तक ये गेम प्ले पूरा चेंज हो जाने वाला है। स्मोक वाला स्प्रे के लिए आप लोग क्या बोलना चाहोगे? लेकिन उससे पहले ये चीज़ देखो, ऊपर दो बंदे दिख रहे थे, और इनको मारने के लिए फुल एकदम फ्रैग में तो गाड़ी ठोकता हूँ, और यहाँ से एक नेट कुक करता हूँ, और लगता है पैनिक रूम में।
गलती से एक नीड नीचे छूट जाता है, मैं टीममेट उधर भाग रहा था पहले, उसे रोकता हूँ, मत जियो उधर। और ये अकेला बंदा कितने देर तक हमें फाइट देने, मतलब इतना मजबूर कर देता है कि भाई अब इस पर घुसना जरूरी हो गया था। स्मोक डाल रहा है ऊपर, मॉली डाल रहा है, हर चीज़ कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा ऊपर से। स्टूडियो में आके स्प्रे अलग दे रहा है, उसके अंदर रिवाइव बन जाता है, फिर डालता हूँ बॉट अलग पीछे टक टक कर रहा है। और देखो अब इसने मॉली की, अब क्या कर जाए ऐसे बंदों का। पहले उस बॉट का दिमाग खराब कर रहा था, मेरे को एंगल अच्छा था, निपटा दिया इस बॉट को। अब जैसी मॉली खत्म होने का इंतजार रहा था, बंदा फिनिश, अकेला था, बहुत गंदा परेशान किया था कजन से गाइस। खैर आप उसको ध्यान से हटाओ, एक बार आप लोग बताओ यार पैरो किस किस बंदे को पसंद है। पैरो प्लस वो एशियन टेम्पल जो कि बहुत पहले पबजी खेलते थे उसमें आया हुआ था, जहाँ पर जैसे आते हैं सामने से बाइक वाला बंदा आता है, डाउन देता हूँ। यहाँ पे किसी और को मैं टीममेट दूसरे को डाउन दे दिया, ये बंदा पता नहीं कहाँ गया, ये डाउन नहीं हो पाया उसने, पीछे से M24 चिपकाई किसी ने। और इसका नाम याद रखना, अब अपने टीममेट को बचाने के लिए सबसे पहले स्मोक डालता हूँ मैं, स्मोक डालते के साथ रिवाइव देते हैं। और अब देखो दोनों तरफ से पढ़ने वाली है मेरे को, फिर भी मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि भाई किल्स भी चाहिए। अब देखो मुझे मालूम है अपार्टमेंट से ही, मतलब अपार्टमेंट याद, कितना अपार्टमेंट वाली फाइट ले चुका हूँ, मेरे हर चीज़ में अपार्टमेंट याद आता है। चर्च साइड से देखो M24 बचा, मैं उनसे फाइट नहीं ले सकता था, उनके पास M24 है, एक हेड दे देंगे और मैं गया बिना हाथ के, हेलमेट भी वेस्ट, हेलमेट और वेस्ट दोनों पुलवाऊंगा। तो इन बंदों का रस करना सबसे पहले अच्छा समझता हूँ, क्योंकि देखो यार जो पास हो पहले उसको निपटाना चाहिए, दूर रहा तो तब भी आने में टाइम लेंगे। और होता कुछ ऐसे, ये भी स्मोक करके बैठे थे, और कुछ स्मोक में नेट की पिन खींचती है, मुझे लगा अच्छा था बंदे को गन तक निकालने का मौका दिया। उसी बीच में टीममेट पता तो लग गया था ये डैमेज जेल का, जैसी रिलोड पे आया ऐसी गन मैं निकल पड़ा, और बिल्कुल भी इनको मारने का मौका नहीं दिया। साथ ही पहले तो रिवाइव देते हैं, मैं थोड़ी देर लूटता हूँ आगे, और लूटते के साथ सामने इसके जो M24 चला रहे थे बंदे वो आएंगे। खैर यहाँ पे 3x मैं पहले ड्रॉप करता फिर बाद में उठाता हूँ, पता नहीं ऐसी क्यों हरकत करता। और मेरे पास साइकिल भी आ चुकी वाली, और ये देखो ओपन बंद, मैं खड़े होकर स्प्रे दे रहा था तो अच्छा नहीं गया, बट कब तक इसको फिनिश डालता हूँ। और थोड़ा आराम से हील वील कर रहा होता हूँ, तभी मेरा टीममेट बोलता है सामने से एक और बंदा आ रहा है देख, और मुझे भी बस इसी का इंतजार था। सबसे ज़्यादा गुस्सा तब आता है जब बंदे को आधा डैमेज कर दो, फिर लेट जाते हैं लोग, टैप फायरिंग का काम आता और हेडशॉट बंदा खत्म। और गाइस एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी यादें जुड़ी हैं इस फैरो के साथ, तब के टाइम पे आई थिंक मैं चैनल बनाया था और शुरुआत कर रहा था, ऐसी बहुत सारी यादें सबके पास होंगी, मेरा तो याद यही थी कि तब मैंने चैनल बनाया था और ट्राई कर रहा था अच्छे खासे गेम प्ले लाऊं, और तब आई थिंक मैं फ़ोन पे भी खेलता था, मुझे मतलब आईपैड तक नहीं था मेरे पे खरीदा, ये वो बहुत सी यादें हैं। खैर आप लोगों की क्या यादें हैं ज़रूर से नीचे कमेंट बताना। ये देखो गंदा वाला डैमेज हो गए थे और आगे भाग रहे थे, लेकिन मेरा टीममेट जब सामने से आते हुए देखा ना इनको, तो वो उधर गाड़ी मोड़ ली उन्होंने, मेरा टीममेट क्योंकि सामने से आ चुका था, अब इन्होंने गाड़ी मोड़ ली, एक बंदा अंदर भाग रहा था पकड़ा। और गाइज एक बार फैरो कितने लोगों का फेवरेट है सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना जितने बंदों का फेवरेट है फैरो, और लाइक वाला बटन भी ज़रूर से दबाना। आज अपनी यादों को भी ताज़ा कर ही लेते हैं, एक मिनट डालते पहले, और किसी भी टीम में मतलब रश करो ना तो ऐसा रश करो कि बंदा ये ना सोचे कि मेरे को इस वजह से मारा, वो सोचे कि कहाँ कहाँ से मारा, ऐसे ही पहले नेट डालता हूँ बस। सब चीज पूरा बंद चुका था, नेट भी फटा इसी के साइड में, इसलिए हील कर रहा था, और इसका जो पीछे बंदा बचा था उसको तो जो ही भगा के मारा है इस फैरो ने, मतलब मैंने जिस तरीके से मारा है। अब हम थोड़ा हील वील करते हैं, बाद में पता लगता है इसका जो बंदा था वो हमारे को देख के भग रहा था रिकॉल सेंटर पे, मैं बोलता गाड़ी निकाल, अब वो देखो अब देखो इसको कैसे पड़ने वाले हेड का बॉडी पड़ा, बंदा बहुत आगे जा रहा था, टायर्स खराब हो गए थे इसके, लेकिन कब तक जाएगा बंदा फिनिश। सब्सक्राइब वाला बटन दबना चाहिए इस हेडशॉट की तरह है, आप भी चलती गाड़ी से हेडशॉट मारो सब्सक्राइब वाला बटन पे, या फिर कुछ भी दबाओ दब जाना चाहिए सब्सक्राइब वाला बटन। और कुछ बंदे आ रहे, और इन बग्गी वाले बंदों का मतलब जो भी ओपन है बंदे इनका नाम याद रखना ठीक है। अब इनको मारने के लिए पहले बोलता हूँ कि काम कर ऊपर ले पहाड़ी पे, फिर सोचता है घर में भी बंदे हैं,
पिट जाएंगे कहीं ना कहीं से, इसलिए बोलता पहले कवर में ले ले, उनको हम बाद में लेंगे। मैं टायर्स खराब करने की कोशिश करता हूँ कि भागे ना, लेकिन टायर्स खराब नहीं होता और मेरे टीममेट का नेट खराब जरूर हो जाता है। दे गाड़ी ठोक ठोक के, मैं बोलता भाई मेरे को उतार दे, तू जो करना कर। उतने में पड़ी। अब बारी उस असली फाइट की, जहाँ पे इनसे मैं बदला लूंगा। और ये वही बंदे जिसने पिछली बार आया था हंटर, तो उसी को नॉक डाला था, ये वही बंदे। बाइक लिया और मैं जैम से, बट गोलियां कम हो गई थी तो थोड़ा रिलोड आ गई। अब टीम को जल्दी गाड़ी निकाल। और ये वही बंदे हैं जाके चर्च पे बैठे हुए। मैं बोलता शायद से चर्च पे रुकेंगे चल, लेकिन चर्च पे एक नहीं दो दो बंदे सामने। और एक लगता है मेरे को पहले तो वो दिखा, देखो हल्का सा दिखा, मैं चल देता हूँ ऊपर तो दिक्कत फट जाती है भाई, मैं अंदर बच जाता पहले। अब दोनों गंडी लोड नॉक, चले मैंने टीम को नॉक करा। जितने में कुछ कर पाते उसमें तो मैं दोनों के ऊपर चढ़ के अकेला ही हावी हो गया था। सबसे पहले स्मोक डालता हूँ क्योंकि कहीं और से पढ़ ना जाए और रिवाइव देते हैं। और जैसे मैंने बोला भाई कि भाई आज फायर हो किसी को नहीं छोड़ेगा, और पुरानी यादें ताज़ा होते ज़रूर से लाइक कर देना। और सामने एक ड्रॉप था जिस पर गाड़ी लगी थी, और यहाँ पे मुझे लगता है पहले दो बंदे, मुझे लगा दोनों के दोनों ऊपर घुस जाता हूँ, डाउन दिया, मैं नीचे भागता हूँ। अब ये नीचे से कहाँ से आता है मुझे ये नहीं आइडिया। मैं पहले आने से ऊपर आने से पहले नीचे कूद गया मेरे से, और फिर मैं जैसे ही नीचे रिलोड करता होगा तो पकड़ लिया इसने मेरे को। रिवाइव होती है कुछ इस जगह होती है, और यहीं पे वो स्मोक के अंदर स्प्रे पड़ने वाला है। सामने से बंदा दिखता है मेरे को भागता हुआ, अब उसने मेरे को देख लिया था, अब कुछ कर भी नहीं सकते। साइड में एक बीपी चला रहा था बंदा, तो अब मैं टीम को बताता हूँ क्या पता उसको गाड़ी लिया, क्या पता तेरे देखने की वजह से वो बाहर आ जाए। और कुछ ऐसा ही है, पकड़ लेता उसको मैं। अभी आगे देखो क्या होने वाला है। सामने से कोई ओम चला रहा था और M4 भी चलाया जा रहा था। सबसे पहले गाड़ी यहाँ रुकते, और जस्ट मेरे पीछे बंदे थे, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। पीछे स्मोक स्मोक सब चल रहा है, मैं टीममेट बोलता यार तुम्हारे पीछे तो देख लो पहले। नॉक डालता हूँ, और मेरा बहुत गंदी आदत है स्मोक में प्री फायर देने का, और इसी वजह से बंदा नॉक। और फिर से अगेन स्पेस बंदा फिनिश। देखो गाइस अब जिसको जो समझना समझे, लेकिन कभी कभार ऐसा तुक्के में लग जाती है गोलियां, और दो बंदे ले लो। बट इस तुक्के के लिए जरूर से सब्सक्राइब वाला बटन दबाना। ना तो बोला स्मोक डलाओ चाहे स्टन डलाओ, तुम बस आग बंद करके सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ। खैर जो सामने से ओम चला रहा था, अब उसकी बारी थी। अब वो बंदा सर्कल की वजह से क्लोज आ चुका था हमारे, ये मैं टीममेट को मारता, मैंने इसको मार दिया। और कैसा लगा वो हैकर वाला स्प्रे, मतलब फुल स्मोक के अंदर मारा। अब मुझे मालूम है काफी अंदर मेरे को ये बोलेंगे हैकर है ये वो, और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ यूट्यूबर्स ने मेरे वीडियो बनाई थी, बोले थे इसके आईपैड में ये हैक लगता है वो लगता है। पहली बात आईपैड इतना सेफ डिवाइस है कि इसमें हैक लग ही नहीं सकता, ओके। एंड फिर भी कुछ चीज़ें कैसे तैसे प्रूव कर रहे थे मेरे को लोग, ऐसा वैसा करता था। पहली बात ये आईपैड 1.5 लाख का ये वो ऐसे इसी वजह से लिया कि 1.5 लाख के आईपैड में मैं फिर भी हैक लगाऊंगा। अबे भाई कुछ तो थोड़ा सेंस लगाओ। खैर कोई नहीं, एक बंदा सामने दिखता है मेरे को, वो देखो ऊपर में एकदम एज इस पे दिख रहा है आपको। और जैसे मैं स्कोप करता हूँ, आई थिंक तो बंदा लेट चुका था। मैं फिर भी फ्री फायर, मेरे बहुत गंदी आदत है यार, मैं स्मोक हो चाहे कुछ भी हो मैं देता स्प्रे जरूर, लेकिन अब मेरे साथ स्कैम होता है बूम्बा। मैं बोला सामने बूम बाम कर, तो मेरे पे ही बूम बाम कर दिया इस बंदे ने, पता नहीं कहाँ लेटा था। पहले तो हील करते हैं, और सही बहुत गंदी आदत है मैं इसको स्मोक में ना स्प्रे देने की। भाई इसी वजह से तो वीडियो बनती है अपनी, स्मोक में स्प्रे दो क्या पता लग जाए। फिर तो वही कर रहा हूँ, लग एक भी नहीं रही, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या पता लग जाए। खैर ये दो कहाँ लेटा है, मतलब देख रहे हो फुल चंटबाजी चल रही है, मतलब कहाँ कहाँ लेटा हुआ देख रहे हो। खैर अब बचा वो आखिरी वाला बंदा, और देखो उसको कैसे मारने वाले हम। अब सीन क्या था ना कि भाई वो बंदा जंप कर रहा था, लेकिन मेरे आईपैड में फुल ऑलवेज ऑन जायरो खेलता हूँ ना, तो बिल्कुल देख ही नहीं पाया। मैं बस स्प्रे देने में ध्यान दे रहा हूँ, मैं ये देखा ही नहीं कि बंदा जंप कर रहा है। लिखा हुआ डैमेज दूँ सही में, इसको मारने के लिए पूरा आईपैड मैंने उल्टा घुमा दिया था। अब जाके पता लगता है यार तू जंप कर रहा था, जब मैंने अपना गेम प्ले अभी देख रहा हूँ तो मुझे अभी पता लग रहा भाई ये तो जंप कर रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब बगी पूरी गोल घूम गई तो मेरा आईपैड पूरा गोल घुमाना पड़ गया, तो ध्यान नहीं दिया, सॉरी मेरे भाई। बट अब क्या कर सकते, मैंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के लिए, सॉरी। अब देखो फैरो किस तरीके से साइकिल चलाने वाला है, मतलब
फैरो को भी साइकिल चलाते थे क्या? गरीबों का फैरो लग रहा है भाई, क्यों कर रहा है ऐसी हरकत, क्यों करता हूँ ऐसी हरकत, साइकिल चला रहा है। ओ भाई, सो गाइस, अगर गेम प्ले अच्छा लगा हो और फैरो का ये वाला मोड अगर अच्छा लगा हो तो जरूर से सब्सक्राइब वाला बटन दबाना। फैरो की और भी ऐसे गेम प्ले देखने वाले एकदम फुल तबाही वाले, तो जरूर से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। कुछ 27 किलो है ना, लेकिन नेक्स्ट गेम प्ले ट्राई करेंगे 300 पर ले जाए और फैरो का पूरा कहर मचा दे, ठीक है? तो आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, उसके पहले सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और बस इतना ही। लव यू ऑल माय भाई।